10 men. 21 and a half. Oh, what a long hand. 25 and 4. एक बात बोलेगा। बोलो। तुमको सिर्फ बच्चे लोगों का कपड़ा सीना चाहिए। Hey man, what you are talking? I stitch for a great man only. क्या पैंट एंड पैंट बोलता है? हिंदी नहीं बोल सकता है? अपन बोलता हम खाली बड़ा लोग का कपड़ा सीता है। तुम्हारा जैसा आदमी पहली दफा हमारी लाइफ में इस दुकान पर आया, जिसका इतना लंबा हाथ, इतना लंबा पैर। Hey, टेलर मास्टर। Yes? हमको इसका कोट चाहिए। अरे राजा है इधर। भाई साहब जी, मैं राजा से मिल सकता हूँ? इस वक्त तो मुश्किल है। देखिए अपुन उसका भाई है। इस वक्त तो वो मेकअप रूम में, उनका ड्रामा होने वाला है। आप एक काम कीजिए ना, हॉल में तशरीफ ले चलिए। अच्छा तो ये है राजा का भाई। Can you tell me what time the play is going to start? Yes. Yes, thank you. Thank you. I beg your pardon. What time mean? I want to know what time the play is going to start. अपन को अंग्रेजी नहीं आता है भाई। नहीं आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लीजिए पेशे खिदमत है आज का वो ड्रामा जिसका आप सबको इंतजार था। और इंसान मर गया। इसमें काम करने वाले कलाकार हैं जूली मिस मंजू, ब्रूटस कोमल कुमार और मार्कस राजा। अरे अपन का भाई है भाई। क्रूटस मेरे सरकार, यहाँ लेटा है आपका प्यार। ठहर। एक दिले बेकरार, चलते हैं अभी होकर हवा के घोड़े पे सवार। बाहर निकलो से फैसला। बहुत अच्छा मेरे सरकार। मैं कहूंगा लव इज ब्लाइंड, आई एम ए लवर सो आई एम ब्लाइंड। When I am blind, I can love anybody. Whom I find? Because I am swine, swine, and swine. Bhuli, tera parwana aa hi gaya. Udkar mohabbat ke paron se. Kaun tu? Brutus? Haan, wahi. Tere pyar ne kar diya mujhe bebas. Brutus, Julie Marcus se mohabbat karti hai. Karti hai? करती रहेगी। मार्कोस का कत्ल होगा और दुनिया देखती रहेगी, देखती रहेगी, देखती रहेगी। मेरा सरकार, क्या है सिलसिला? जल्दी हो चलो फरार। क्यों? मार्कोस आ रहा है। अच्छी बात है जूली, हम अभी जाएंगे। कल जब चांद उगेगा हम फिर आएंगे।
तुझे अपने साथ ले जाएंगे। Tomorrow, Julie will be mine. Love will be mine. And God will be mine. Julie, मेरा प्यार, तेरा ये सोलह सिंगार, जिसके आगे चांद सितारे हैं बेकार, ये हुस्न, ये निखार, जैसे जन्नत की हो बहार, आओ इस बहार में हम खो जाएं एक बार, मार्कस, जूली, दूर ना होंगे, कोई लाख करेक ए राजा, और इसे क्या हुआ? ए राजा, बच गया तेरा बाजा, ए, आज नहीं मानता, वोट डालेगा साला, बैठ जा, हट, भैया, ये कहां से आ गए? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की। वाह वाह क्या बात, वाह राजा तेरे डायलॉग बोल, समुद्रों को काट डाला, पहाड़ों को भाप बनाकर उड़ा डाला। अबे क्या पकता है, पहाड़ों को काट डाला, समुद्रों को भाप बनाकर उड़ा डाला, पहाड़ों को काट डाला, समुद्रों को भाप बनाकर उड़ा डाला। जुली, मार्कस तेरे लिए आसमान से भी टकरा सकता है। अरे जियो मेरे लाल, मिट्टी को दुश्मनों में मिला सकता हूँ। अबे दुश्मनों को मिट्टी में, दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता हूँ, जमाने को झुका सकता हूँ, दौलत को भस्म करके, दौलत को भस्म करके, कानून को खत्म करके, कानून को खत्म करके, मोहब्बत की हुकूमत चला सकता हूँ, मोहब्बत की हुकूमत चला सकता हूँ, चला सकता हूँ, चला सकता हूँ। अरे आगे बढ़ वहीं क्या खड़ा है, आगे बढ़ वहीं क्या खड़ा है। अरे ये डायलॉग नियम है तुझे चलने को कह रहा हूँ। अबे ये डायलॉग नियम है तुझे चल। अबे इसको डायलॉग याद नहीं, इसको बात करो, बंद करो ये ड्रामा। अरे इसे उठा के बाहर फेंक दो, राजा का ड्रामा, जा अंदर जा, राजा को पीछे हटा, ड्रामे को आगे बढ़ा, जा तलवार निकाल, खत्म कर, तेरी एंट्री भी नहीं, तू जा। अरे राजा संभाल, छोकरे को तो अपन खावा का फिरा डाला, उसके थोपड़े का तो अक्का बोने ढिल गया होगा। भैया मामला तो मैंने संभाल लिया, वरना सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता। अपन को लगता है अपन की खोपड़ी में भेजा नहीं है, नट बोल्ट स्क्रू पाना ये सब भरेला है। ए, काम कर, ये ले, ये 50 रुपया तू रख, तेरे को काम आएगा। और ये 50 रुपया है ना, वो छोकरे को दे देना, बोलना तेरे भाई ने दिया है, मतलब तेरे भाई के दोस्त ने दिया है। मैं चलता हूँ। अच्छा भाई, मगर ये लफड़ा कैसे हो गया? मेरे को ख्याल क्यों नहीं आया कि अपन नाटक देखने लाए? तेरे को तो मालूम है ना अपन कितनी बार रामलीला किया है? याद है एक बार अपन हनुमान बन के वो रावण को स्टेज पे से नीचे फेंक दिया था, वो साला 15 दिन अस्पताल में पड़ेला था। देखिए 20 रुपए तू और रख ले, तेरे को काम आएगा। मैं चलता हूँ। अच्छा भाई, वो छोकरे का माँ बाप है ना, वो छोकरे को देखेगा तो बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देख तू ये 20 रुपए और रख ले, वो उसको देना, बोलना दबादारू कर लेगा। अच्छा, अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, तेरे को बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं भैया, आपकी कोई बात बुरी लग सकती है क्या? मेरे को मालूम था मेरा मुन्ना कभी बुरा नहीं मानेगा। ये ले, ये 20 रुपए और रख ले, बादाम खरीद के खाना, तू बहुत दुबला हो गया है। अच्छा भैया, भैया आप चलिए, बस जाने का वक्त हो गया है, चलिए। अरे भैया
ये क्या? अरे कुछ नहीं रे। ए मुन्ना, खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ भैया। कोई तकलीफ हो तो पैसे मंगवा लेना मुझसे। अच्छा हाँ? ए ये ले, ये 50 रुपए रख, तेरे को काम आएगा। अपना ध्यान रखना मुन्ना। अच्छा। अपना ध्यान रखना मुन्ना। हो गया? हाँ हो गया। ये ले भाई। चल बेटा। भाई नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। इंस्पेक्टर की बीवी। अरे भीम साहब माफ करना भीम साहब। वो क्या ढूंढता है? वो तुम्हारा वो किधर गया? वो उसका गड़बड़ हो गया तो पुलिस पकड़ लेगा, आप उनको मर्डर केस हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा एकदम। कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ? कोई नहीं पकड़ेगा। मतलब वो हो गया? हाँ हो गया। लड़का हुआ कि लड़की? दोनों। दोनों कभी? कल। कल? अरे लेकिन बच्चे कहाँ है? स्कूल गए हैं। स्कूल गए? अरे कल पैदा हुए, आज स्कूल चले गए? जवाब नहीं तेरा यार। छोटा भैया, अरे अभी तक बटन नहीं दबाता हूँ। रिश्वत देता था कि मैं इसको छोड़ दूं। ये इसका बैग देखो साहब, मेरे को तो इसमें कुछ घपले का माल मालूम पड़ता है। चरस आओ साहब, ले जाओ इसे चार्ज रूम में। रॉबर्ट मुंशी साहब कहां? रॉबर्ट क्यों, क्या हुआ? रॉबर्ट कीर्ति और हमारा माल दोनों पकड़ा गया। क्या? हाँ हाँ, लेकिन बंसी साहब अभी है कहाँ? अब क्या होगा, वो तो अपने भाई के घर गए। भाई साहब मुद्दत हुई मैंने वो सब काम छोड़ दिए, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं फिर से शराफत की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। तुम और शराफत, तुम्हारी सारी शराफत आज तक सिर्फ पैसे के लालच में। तुम्हें 10 लाख रुपए उधार चाहिए, इसीलिए चेहरे पर शराफत का नकाब ओढ़ कर आए हो। मगर 10 लाख तो क्या, मैं तुम्हें 10 रुपए नहीं दूंगा। चले जाओ यहां से और आइंदा भूल कर भी इस घर में कलम मत रखना। अच्छी बात है, जाता हूं, लेकिन आज की बेइज्जती के बदला ऐसा लूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। क्या करेगा, मार डालेगा। और तू कर ही जा सकता है, गुंडा है, लोगों को मार सकता है, लोग तुझसे डरते होंगे, लेकिन मैं तुझसे डरने वाला नहीं। चिल्लाए मत जी। आई से गेट आउट। तबीयत खराब हो गई है जी। कौन थे वो लोग, कैसे जानता तुम लोगों को? छोटू भैया मैं किसी को भी नहीं जानता। अब्बा अब्बा मैं कसम खा के कहता हूँ अब्बा, छोटू भैया ने किसी और को देखा है और मुझ पे शक कर रहे हैं।
अब आप ही समझाइए ना इन्हें। तू इसी से बात कर, मुझसे मत बोल। ये स्मगलिंग का काम कब से शुरू कर दिया तुमने? भैया मैं तो ये तक नहीं जानता कि स्मगलिंग किसे कहते हैं। मैं तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ। आपको यकीन ना आए तो आप खुद ही आके पूछ लीजिए जहां मैं काम करता हूँ, और अगर वो लोग इनकार कर दें तो आप मुझे मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ सकते हैं। अच्छी बात है, माना कि आज मेरी आंखें धोखा खा गई, वो तुम नहीं कोई और था। लेकिन एक बात याद रखना अनवर, इस घर के मुझ पर बहुत से एहसान है। ये मेरी बहन है, ये मेरे बाप हैं, इस रिश्ते से तुम मेरे भाई लगते हो। मेरा भाई पाप का काम करे या गुनाह के रास्ते पर चले, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फोन कर दूंगा मैं उसका, इन हाथों से पकड़कर जेल की कोठरी में ठूस दूंगा उसे, फिर वो चाहे मेरा भाई अनवर हो या राजा हो। कसम पैदा करने वाले की, सच्चाई के लिए मैं प्यार और रिश्ते को जला डालूंगा। अरे तुम हंस रही हो? तुम क्या हो, तुम्हारा भाई क्या है, मुझे सब मालूम है। वो बेचारा दिन रात मेहनत करके टैक्सी चलाता है, और उसका भाई कॉलेज में बैठकर हवाई जहाज उड़ाता है। लेकिन तुम्हें ये, मैंने तुम दोनों भाइयों की बातें अपने कानों से दरवाजे के पीछे से सुनी है। मंजू तुम्हें मेरी कसम है, किसी से मत कहना कि मेरा भाई एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है। मगर क्यों, तुम दुनिया से अपनी असलियत क्यों छुपाते हो? क्योंकि दौलत कमाना, अमीर बनना मेरी जिंदगी का ख्वाब है। मैंने तुम्हारी अमीरी गरीबी से नहीं, तुमसे प्यार किया है। और फिर जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं, दुनिया में सुख मिल जाए, प्यार मिल जाए, इस दौलत के आगे दुनिया की दौलत तो कुछ भी नहीं होती राजा। ये बातें वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत होती है। एक बार मैं भी दौलत कमा लूं फिर देखूंगा दौलत ज्यादा जरूरी है या प्रेम और सुख। अबे पैसा ना तो आसमान से टपकता है और ना खेत में उगता है प्यारे। जो समुन्द्र में डुबकी लगा सकता है ना, वही मोती पा सकता है। अबे डायलॉग बाजी बंद कर और मतलब की बात कर। मतलब की तो बात कर रहा हूँ। अबे चेहरे पे खूबसूरती है, हाथ में पत्तों की चालाकी है। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो अब तक लाखों रुपए कमा चुका होता। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी दुनिया में लेके चलता हूँ जहाँ चेहरे की चमक से हजारों और हाथ की चालाकी से लाखों रुपए कमा सकता है। बोल चलता है मेरे साथ। सोच के बताता हूँ। सोच ले मगर जल्दी, ऐसा ना हो वहां कोई दूसरा आ जाए और तू सारी जिंदगी हाथ मलता रहे। बताता हूँ बताता हूँ। ए वरीदा। जी भैया। चल 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 खासा किधर से? क्या हुआ? चल तू जा। कहाँ? वो मेरी खोली में मेरा कोट पड़ा हुआ है, जेब में लाइसेंस है, लेके आ जा। अरे चल दौड़ के जा, दौड़ के। क्या बात है? चाचा वो ऐसा होता है ना, वो तेरा पेट दुख रहा है? मैंने ना पेट नहीं दुख रहा चाचा, वो क्या कहते हैं उसे, ये ऐसा होता है ना, ऐसा मटका। मटका नहीं, मटके का क्या करूंगा, अपना सर फोड़ूं। मैंने सारा घर छान मारा मगर वहां कुछ भी नहीं है।
अरे यार अजीब मुसीबत है। अरे तू बाहर जा, इधर प्राइवेट बात हो रहा है। प्राइवेट? हाँ चल जा। गलत बात, प्राइवेट बात करना, खुसर फुसर करना, ये सब बुरी बात है, शैतानी चक्कर है। जो कुछ भी बोलना है मेरे सामने बोलो। तेरे सामने बोलने वाली बात नहीं है। अरे बस सुनो। चाचा चलो बात। अरे बात क्या है? अरे बाहर आओ ना, यहाँ कोई बात ही नहीं करने देता। क्या बात? देखो चाचा, वो होता ना, वो ऐसा है। क्या? अरे समझो चाचा, वो ऐसा। अरे औरत का पेट ऐसे कब होता है? अरे बच्चा जब हाँ हाँ हाँ, डेढ़ खिलाक लग गया तुमको भी समझने। तो सीधे बोलना कि यूं यूं क्या करना। अच्छा चाचा सुनो, वो एक मर्तबा ऐसे हो जाता है, दोबारा कितने दिन बाद होता है? दो साल, तीन साल, कम से कम एक साल। एक साल? हाँ एक साल। चाचा इधर बैठो, सुनो। मैंने एक छोकरी देखी, हफ्ता भर पहले वो ऐसी ऐसी थी, परसों देखा तो मैदान साहब। मतलब जचकी हो चुकी थी? हाँ यानी बच्चा हो गया था। हाँ हाँ हो गया था, हो गया था। लेकिन आज देखा तो फिर वही। नहीं तूने किसी और को देखा होगा। अरे अल्लाह की कसम वही लड़की थी। देख कसम मत खा, गुनाह होगा। आपकी कसम चाचा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कयामत आ जाएगी। अरे चाचा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो तूने किसी और को देखा होगा। कमाल है, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता।